बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं। और जब भी मेरा जो स्टोव है वो गंदा हो जाता है बहुत ज़्यादा और मैंने साफ़ करना होता है, तो फिर मैं सोचती हूँ चलो भरता बना लेती हूँ क्योंकि एक ही दफ़ा फिर साफ़ हो जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और जब एक दफ़ा इतना ज़्यादा साफ़ हो जाता है तो फिर दिल ही नहीं करता ज़रा सा भी कुछ ऊपर गिर जाए, तो बस फिर इतना वो होने लगता है कि यार इतनी प्यारा चमक रहा है, अब ये कभी गंदा ही ना हो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ज़ाहिर है चीज़ें साफ़ होती हैं, गंदी होती हैं तो फिर ही साफ़ होती है ना, तो ज़ाहिर है गंदी भी होना ज़रूरी होता है। खैर, आज एक नया आम सा दिन है, नया दिन जो आम दिन गुज़रते हैं उसी की तरह है। और ये अमेज़ोन से जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाई थी, ये ब्लेंडर है कोयल वाली, इसमें पता नहीं क्या है, मतलब ब्लेंडर है कोयल के साथ है और साथ ये है जी छोटी सी हैंडी सी है, काफ़ी अच्छी है। तो मैंने सोचा चलो आज डेलगोना कॉफ़ी बनाते हैं, सही कैपेचिनो टाइप, ज़रा थिक थिक सी ना। तो खैर मैंने ट्राई किया तो बहुत अच्छी कॉफ़ी बनी इससे, बहुत ही ज़्यादा मज़े की। तो मैं अपने स्लीव्स जो हैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ क्योंकि बीच में पानी से थोड़ा काम करना होता है, कपड़े वगैरह, मतलब कपड़े तो नहीं, क्या ही बर्तन वगैरह धोने होते हैं ना। तो खैर, तो फिर मैं थोड़ी सी कॉफ़ी डालूंगी, ज़्यादा कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती। और पीछे महानूर जो है साइकिल पे बैठी हुई है वो बेल मार रही है उसके लिए माजरत। और आज की वीडियो में मैं थोड़ी देर बाद आपसे जो अमेज़ोन के प्रोडक्ट्स हैं वो शेयर करूंगी। अमेज़ोन के प्रोडक्ट्स कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी और लिंक भी दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और प्लीज़ आप उनको ज़रूर चेक कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो कॉफ़ी बनाते हैं उसको जी ब्राउन शुगर डाल के बनाएं, ब्राउन शुगर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, नॉर्मल शुगर से इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। एक दफ़ा मेरे कहने पे ट्राई करें और यकीनन आपको बहुत ही मज़ा आएगा और मान जाएंगे आप। और ये जो मैंने शेल्फ़ है ये भी अभी साफ़ किया था इसलिए मैं इसको झाड़ रही थी कि गंदा ना होए। तो खैर, मेरा जो है किचन बहुत ज़्यादा छोटा है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको किचन और होम टूर भी करवाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो मैं थोड़ा सा किचन जो है मेरा गड़बड़ हो गया क्योंकि आजकल मैं जो आपको बताया था महानूर के साथ खेलती रहती हूँ हर वक्त, तो थोड़ा बहुत ही टाइम मिलता है काम करने का, तो फिर किचन मेरा बड़ा बिखरा हुआ है आजकल। थोड़ा बहुत मैंने आज सेट किया है लेकिन कमरों से ज़्यादा ना मुझे किचन की होती है कि किचन जो है ना वो सबसे पहले सेट शेट होना चाहिए। और आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे बोलना तो आ रहा है लेकिन कैमरे के आगे जब आती हूँ तो इतनी वो हो जाती हूँ जैसे दिमाग से सब निकल गया और अपने आप को ही देख रही होती हूँ कैमरे में कि मैंने क्या बोलना था आजकल यहाँ का जो मौसम है कुछ अजीब सा है, कभी सर्दी हो जाती है, कभी फिर गर्मी हो जाती है, कभी हम स्वेटर पहन रहे होते हैं, कभी हम स्वेटर उतार के फेंक रहे होते हैं, तो समझ ही नहीं आता, कभी कुछ कह नहीं सकते हम। इसलिए कोई मुझसे पूछे मौसम कैसा है तो मैं कहूँगी थोड़ी सर्दी आ गई है, कभी पूछेंगे मौसम कैसा है मैं कहूँगी गर्मी आ गई है। तो ऐसा ही है, मैंने दो तीन कपड़े निकाले हैं, कभी मैं सर्दियों के पहन रही हूँ, कभी मैं गर्मियों के पहन रही हूँ, तो अजीब सा ही मौसम हुआ हुआ है यहाँ पे है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी जो है ना बहुत ही बुरी लगती है और शुक्र अल्लाह का करती हूँ कि मैं सर्दी से बची हुई हूँ बहुत। और जो पाकिस्तान में सर्दी है ना वो तो बस मुझे याद कर कर के ना बस डर सा लगने लगता है एकदम, जैसे ना मेरे अंदर एकदम जैसे ना कोई बर्फ़ आ गई हो, मेरे ऊपर बैठ गई हो क्योंकि वहाँ पर मैं जो हूँ डबल डबल पजामा पहनती थी, डबल सॉक्स और डबल स्वेटर्स, तो बहुत ही बुरी लगती थी मुझे वो सर्दी। है आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को बहुत अच्छी लगती है सर्दी, है अच्छी बात है, लेकिन सर्दी में इंसान जो जम जाता है यार, एक जगह बैठ जाता है, तो वो इतनी अच्छी नहीं होती। स्प्रिंग सीज़न तो सबसे बेस्ट होता है, आप स्प्रिंग सीज़न में आप कुछ भी पहने आपको कुछ फील नहीं होगा, बस आप इंजॉय करेंगे, खुले खुले फिरेंगे और मज़े करेंगे। और ये मेरी जो है कॉफ़ी रेडी हो गई है, मैंने इससे ज़्यादा थिक करनी थी और मैं कितनी देर चलाई जा रही थी उसको, है वो रिचार्जेबल है ब्लेंडर है वो, मतलब मिल्क फ्रॉथर, कॉफ़ी मेकर जो भी कह लें उसको,
लेकिन वो ऑल इन वन है मेरा ख्याल है। उसके साथ हम विपिंग कॉफ़ी भी बना सकते हैं, कॉफ़ी विप, कॉफ़ी कह रही हूँ, क्रीम को विप भी कर सकते हैं। तो ऊपर मैंने अलग से थोड़ी सी सेपरेट करके निकाली थी, बीच में मिक्स की, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बीच में थोड़े छोटे 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 ना वो चंक्स से आते हैं तो बहुत मज़े का बनता है। तो ऊपर मैंने थोड़ी सी डाल दी इस तरह ना, जैसे तो इस तरह देखने में से भी बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत ही मज़ेदार लग रही थी। तो महानूर को कार्टून लगा के बिठाया हुआ था थोड़ी देर, क्योंकि वो सुबह से बलून के साथ हम लोग उसके साथ खेल रहे थे बारी बारी, कभी महानूर के पापा तो कभी मैं खेल रही थी बलून के साथ। अभी भी ये जो है साइकिल के साथ लगी हुई है। और आजकल बहुत ज़्यादा वो बच्चे बहुत ज़्यादा वो ना घर में रह रहे के वो हो जाते हैं, लेकिन है मैं उसे बाहर लेके जाती हूँ, लेकिन आज जो था बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर से, तो मैं डॉक्टर के पास गई हुई थी। और मैं क्यों गई थी, मैंने अपने टेस्ट करवाए थे, मेरे टेस्ट में क्या क्या मसला हुआ वो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इस वीडियो में ज़ाहिर है एक ही चीज़ टॉपिक है, वो है अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स। तो इसलिए मैं अमेज़ॉन का प्रोडक्ट एक यूज़ भी करके आपको दिखा दिया है। ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है, ये मतलब ये कि जो मैंने यूज़ करती हूँ ना चीज़ें मैं वो बता रही हूँ, मैं जो ऑर्डर करती हूँ वो बता रही हूँ आपसे। मैंने एयरफोन्स मंगवाए थे साउंड पीट्स के, वो भी बहुत अच्छे ब्रांड है। आप लोगों ने किसी ने हेडफोन्स लेने हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मेरी कॉफ़ी हो गई है रेडी, और मैं और मेरे हस्बैंड जो है आप कॉफ़ी को इंजॉय करेंगे। और चलें अब देखते हैं प्रोडक्ट्स जी। और ये है वुडन पज़ल, ये 6 पीसेस का सेट है, और ये 6 पीसेस है और ये 20 पीसेस का, मतलब 20 पीस है बीच में जो आपको सेट करने हैं बच्चों को। तो ये बहुत अच्छा है, मैं खोल के दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा एनिमल सेट है वुडन पज़ल, और ये बहुत ज़्यादा बेस्ट सेलर है। और इसमें लाइन का भी है वो बेस्ट सेलर है, ये फ़िलहाल अभी इतना नहीं है, लेकिन बिल्कुल सेम चीज़ है, बस ये एनिमल्स का फ़र्क है, उसमें लाइन वगैरह बने हुए हैं और इसमें टाइगर है और रैबिट है, तो वो मैं दिखा रही हूँ। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप ऑनलाइन इसको देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो इसको आप चेक करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चे बहुत ज़्यादा इससे बिज़ी रहेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब वो इंजॉय करेंगे इस चीज़ को, और साथ साथ बच्चे सीखते भी हैं। दिरहम से लेस की जो चीज़ें हैं उसके लिए फिर आपको जो है 10 दिरहम फीस देनी पड़ती है, डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते हैं। तो आप कोशिश किया करें ज़्यादा ही चीज़ें एक साथ मंगवा लिया करें, ताकि आपके 10 दिरहम जो हैं वो परचेजिंग में इस तरह मतलब फ्री में देना ज़ाया ना हो। और ये जी नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो इससे भी ज़्यादा मज़े की है, ये जो बच्चे जो होते हैं स्कूल में जिन्होंने मतलब वर्ल्ड मैप वगैरह सीखना होता है, फ्लैग्स ज़ाहिर सीखने होते हैं कंट्रीज़ के डिफरेंट फ्लैग्स, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ से ज़रा वो जल्दी ज़्यादा इजीली उनको ना समझ आ जाता है। ज़ाहिर है जो आप प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं उसमें ज़रा ज़्यादा आपको एक तो मतलब ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा मतलब आप इंजॉय कर सकते हैं। और ये बड़ा हैंडी सा है जो मैं करके ऐसे दिखा रही हूँ ना, ये बड़ा हैंडी सा, इस तरह मतलब आप बिल्कुल जस्ट लाइक अपना क्लच या बैग की तरह आप इसको ले कर जा सकते हैं ईज़िली। तो इसके इससे बच्चे बहुत अच्छा मतलब सीख सकते हैं, आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, 3+ एजेस के लिए बहुत अच्छा है। मेरी अपनी महानूर जो है वो मतलब काफ़ी इंजॉय करती है ज़्यादा पज़ल्स को, वो ज़्यादा इंजॉय करती है, तो हम लोग भी जो है ऑनलाइन पज़ल्स इस तरह मंगवा लेते हैं। तो आप भी अगर ये देखें तो ये 2-in-1 चीज़ है, मतलब एक तो वो है वर्ल्ड मैप भी है और फ्लैग्स भी हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों ज़रूर अपने बच्चों के लिए, ऑल ओवर इन द UAE हम लोग ये कर रहे हैं, UAE से बाहर फ़िलहाल नहीं है, तो जो UAE में है वो ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ का। और जी ये महानूर अब आगे लेकर आ गई है, कह रही थी कि मैंने भी दिखाना है, तो ज़रा आप देख लें प्लीज़ इसका भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका, आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। और जो मैंने है आपको रिक्वेस्ट करनी थी अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स के बारे में, कि आपको अच्छे लगे हैं उनको ज़रूर चेकआउट करें, आप घर बैठे अगर बच्चों को इतनी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, ये पज़ल्स वर्ल्ड मैप वगैरह
एनिमल वुडन वुडन पजल्स हैं जो एनिमल्स की हैं, वो छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं और ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। बच्चे काफ़ी देर तक बिज़ी रहते हैं। मैंने महानूर को दिए हैं तो वो इतनी बिज़ी रहती थी उसके साथ, और उसे अभी भी बड़ा शौक है। उसके पास खुद इतनी पज़ल्स हैं जो मैं दिखाती हूँ आपको, अक्सर वीडियोज़ में आपने देखा होगा पज़ल्स वगैरह वो करती है, और बहुत अच्छी मतलब माशाल्लाह से उनका ज़रा ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है। उनकी फिज़िकल एक्टिविटी, फिज़िकल तो नहीं है मतलब थोड़ी बहुत मेंटली मतलब वो बच्चे जो है ना ज़रा वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो खैर बस जब कैमरे पे आके बोलना शुरू होती हूँ तो कुछ इतनी समझ नहीं आती मुझे, उसके लिए माजरत। आहिस्ता आहिस्ता मैं ज़रूर यूज़ टू हो जाऊँगी। और बस यही कहना था कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अभी तो फ़िलहाल मैंने आपसे दो प्रोडक्ट्स शेयर किए हैं, आप ज़रूर उसकी वीडियो भी मैंने इसलिए आपको दिखाई है ताकि आपको आइडिया हो कि पिक्चर्स में ज़ाहिर है वो जो वहाँ पे डिस्प्ले में पिक्चर्स हैं उससे इतना आइडिया नहीं होता आपको चीज़ का, लेकिन जब वीडियो में आप देखते हैं तो कितनी अच्छी वो चीज़ है, इतनी अच्छी क्वालिटी की है कि बच्चा उसे काफ़ी देर तक बिजी भी रह सकता है। और वो जो वर्ल्ड मैप है उसमें तो फ्लैग्स भी हैं जो थोड़े बच्चे बड़े बच्चों के लिए हैं, जो फ्लैग्स वगैरह पढ़ते हैं कंट्रीज़ के फ्लैग्स हैं, और पूरा वर्ल्ड है उसमें। तो ज़ाहिर वर्ल्ड मैप तो पढ़ना होता है स्कूल्स में, खास तौर पे जो बच्चे हैं आपके उनके लिए चाहिए होगा। तो आप ऑनलाइन मंगवाएं, इतने कोई मतलब वो कॉस्टली नहीं है, रीज़नेबल प्राइस है, आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से। और मैं लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में सारे प्रोडक्ट्स के लगाती हूँ, आप लोग ज़रूर चेक किया करें। और फेसबुक पे मेरा पेज है पाकिस्तानी मॉम इन यूएई, और हैप्पी एंड फन लिविंग है एक पेज, तो उस पर आप ज़रूर मुझे फॉलो करें। उस पर भी काफ़ी चीज़ें मैं अच्छी अच्छी बताती हूँ जो मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ। ऐसी नहीं है कि जो मैं यूज़ करती हूँ और जो वाकई में अच्छी है मैं उनका ही आपको बताऊँगी, कोई गलत चीज़ आपको नहीं कभी बताऊँगी मैं, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं मुझ पर। और ये है कि आप जो भी नए आने वाले हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें मुझे, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट का, आपकी सपोर्ट की वजह से मैं इतना थोड़ा आगे निकली हूँ, थोड़ा नहीं काफ़ी आगे निकली हूँ, इतना भी लोग नहीं निकलते, तो आगे भी निकलूँगी मैं। सबसे पहले तो अल्लाह पाक की ज़ात है जिसने कामयाबी दी है, ज़ाहिर है फैमिली की सपोर्ट है, और इंशाल्लाह ताला आगे भी मुझे कामयाबी मिलेगी। और मैं पर्सनली आपको कैमरे पे आके थैंकफुल, बहुत आपकी थैंकफुल, बहुत आपको थैंक यू करना चाहती थी। बस यही मैं कहना चाहती थी आप लोगों से, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।